हेलो गाइज, मैं विकास आपका दोस्त स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिप्टो आईसी में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे अपडेट्स आपके सामने लाए हैं। फ्लॉकी, नूबोन, एल बैंक, बीटगर्ट, ईडीयू टोकन जो कि अभी नया नया मार्केट में आया हुआ है, बेबी डॉज, इसके रिगार्डिंग आज हम पूरी विस्तार के साथ बात करने वाले हैं। तो गाइज, चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ क्रिप्टो के रिगार्डिंग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट्स देता रहता हूँ। सबसे पहले मार्केट की अगर ये बात कर ली जाए तो यहाँ पे पूरा मार्केट कैप 1.20 ट्रिलियन का हो चुका है और यहाँ पे लगभग 0.4% की पंपिंग देखने को मिली है पिछले 24 घंटे में। बिटकॉइन की बात कर ली जाए तो $29,226 पे अब ये वापस से ट्रेड करने लगा है और इसमें भी लगभग 0.4% की पंपिंग देखने को मिली है। इथेरियम की बात कर ली जाए तो $1,893 पे आ गया है, ये लगभग इस क्वाइन में 0.2% की पंपिंग देखने को मिली है पिछले 24 घंटे में। तो मार्केट का जो सिचुएशन है, क्रिप्टो मार्केट तो इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन बिटकॉइन कल से $29,226 पे रुका हुआ है। तो गाइज, ये तो हो गई मार्केट की बात, चलिए अब हम फ्लॉकी इनू के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एल बैंक एक एक्सचेंज है, वहां पे फ्लॉकी इनू लिस्ट हुआ था और गिवे के तौर पे यहाँ पे $50,000 के फ्लॉकी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गाइज, $50,000 बहुत बड़ी रकम होती है, यदि आप एल बैंक यूज करते हैं तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट ज्वाइन कर सकते हैं फ्लॉकी इनू में। वहीं पे जो दूसरा अपडेट है फ्लॉकी इनू में, फ्लॉकी इनू ट्रेडिंग को लेकर है। 20x लेवरेज के साथ फ्लॉकी इनू जो है वो एल बैंक पे इनेबल कर दिया गया है, अब आप फाइनली यहां पे फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं वो भी 20x लेवरेज के साथ। अगला जो अपडेट है वो बीटगर्ट एक्सचेंज के तरफ से है। यहां पे आप देख सकते हैं कि बीटगर्ट एक्सचेंज पे एक क्वाइन लिस्ट होने वाला है, उस क्वाइन का नाम आप जरा ध्यान से देखिएगा, FL खाली स्थान आई, यानी कि कौन सा ऐसा एक्सचेंज है जो कि यहाँ पे फिट बैठता है। अगर जी आप सही जानकारी देते हैं तो आप बिटगट एक्सचेंज पे $100 का प्राइज जीत सकते हैं। तो गाइज, फाइनली हम आपको बता दें कि ये FLOKI फ्लॉकी इनू, ये फ्लॉकी इनू एक क्वाइन है जो कि बीटगट एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। तो आपके अनुसार कौन सा क्वाइन होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्लॉकी इनू की अपडेट को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। वहीं पे जो अगला अपडेट है बोन टोकन से, बोन में बहुत सारे लोग होल्डिंग बना के रखे हुए हैं और सिर्फ सिवेरियम का इंतजार कर रहे हैं और बोन आपको अभी बड़े बड़े एक्सचेंज पे भी लिस्ट नहीं है। तो फाइनली एक एक्सचेंज है सेटो एक्स, इस क्वाइन को लिस्ट करने वाली है, यहाँ पे अपडेट जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बोन टोकन धीरे धीरे लिस्ट हो रहा है बड़े बड़े एक्सचेंजों पे और सिबेरियम जैसे ही आती है तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है बोन टोकन में। वहीं पर जो अगला अपडेट है वो है EDU यानी कि ओपन कैंपस। आज से 4 दिन पहले जब इस टोकन में पार्टिसिपेट ज्वाइन हो रहा था उसी समय मैंने आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दिया था, कब कब आपको यहाँ पे ध्यान देना था उस चीज़ को लेकर मैं सारी प्रतिक्रियाएं जो है उस वीडियो में बताया हुआ था। और फाइनली आज यहाँ पे टोकन डिस्ट्रीब्यूट का टाइम था और जो लोग यहाँ पे 11:30-12 बजे इसमें ज्वाइन हुए होंगे यकीनन उनको अच्छी खासी मात्रा में टोकन प्राप्त हुआ होगा। और गाइज, ये टोकन जब पब्लिक बाइंग और सेलिंग में आया तो उसकी प्राइस थी लगभग $0.05 यानी कि लगभग 4 से 5 रुपए की, यानी कि एक EDU टोकन का दाम था। और अगर जे अभी बात कर ली जाए तो 123 रुपया इसका प्राइस जो है वो पंप कर गया है गाइज, लगभग $1.45 तक। ओपन कैंपस EDU एट 1.45, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, लगभग 2,867% कुछ घंटों में पंप हो गया है। तो गाइज, वो वीडियो जो मेरे देखे होंगे और यहाँ पे पार्टिसिपेट किए होंगे यकीनन वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में होंगे। और गाइज, सबसे पहला कदम कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि अभी आप 28x प्रॉफिट में हैं। गाइज, जो लोग यहाँ पे 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट किए होंगे BNB में तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके उनको टोकन मिला होगा तो 28 गुना उनका दाम जो है बढ़ गया था। तो गाइज, मैं यहाँ पे ऐसे ही टोकन और लिस्टिंग होने से पहले टोकन के बारे में और मीम कॉइन के बारे में खास जानकारी आपको देता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को दबा के जरूर रखिएगा। वहीं पर जो अगला अपडेट है बेबी डॉज की तरफ से है कि
विच एक्सचेंज लिस्ट बेबी डॉज फर्स्ट, यानी कि कौन सा एक्सचेंज बेबी डॉज क्वाइन को सबसे पहले लिस्ट कर सकता है। अगर जे बेबी डॉज को सबसे पहले बाइनेंस लिस्ट करती है तो कितने जीरो किल होंगे, क्वाइन बेस करती है तो कितने जीरो किल होंगे। तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाइनेंस दुनिया की नंबर वन एक्सचेंज है और टॉप टू पे चलता है क्वाइन बेस। तो इन दोनों एक्सचेंजों में सबसे पहले जो भी लिस्ट करता है या क्वाइन बेस करता है या बाइनेंस करता है, अगर जो भी करते हैं तो यकीनन आपको प्रॉफिट जो है वो 10x से ज़्यादा तक की दे सकते हैं। इतना ज़्यादा पोटेंशियल ये रखते हैं, क्योंकि सबसे जो बड़ी प्लस पॉइंट है इन दोनों एक्सचेंजों की, सबसे ज़्यादा होल्डर, सबसे ज़्यादा निवेशक यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और बेबी डॉज जैसा पॉपुलर क्वाइन अगर जे इन दोनों एक्सचेंजों में किसी एक पर भी लिस्ट होता है तो आपको 10x, सिंपल है गाइस, आपको 10x तक का प्रॉफिट ये क्वाइन दे सकता है। यानी कि एक जीरो तो 100% ये किल कर देगा बाइनेंस और क्वाइन बेस लिस्टिंग के साथ ही। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वाइन बेस पे ही होगा, क्योंकि बाइनेंस पे अभी इसके लिस्टिंग के चांसेस कम हैं, क्योंकि सप्लाई इस क्वाइन की बहुत ज़्यादा है। और जब तक इसकी सप्लाई कम नहीं होगी, टोकन बर्न नहीं होंगे, तब तक बाइनेंस इसको लिस्ट नहीं करेगा। लेकिन मे बी जहाँ तक बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि 2023 ख़त्म होते होते तक बाइनेंस जो है बेबी डॉज क्वाइन को लिस्ट कर देगा। तो गाइज आपकी होल्डिंग अगर जो इस क्वाइन में है तो आने वाले फ्यूचर में आप मिलियनियर जरूर बनने वाले हैं, ये बातें तय है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्वाइन की नेक्स्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए अपने दोस्त विकास को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।